कोयल और फैजी सर वहां क्यों रह रहे थे रात भर? कुछ कर नहीं रहे थे चित्रा, बंद हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे गलत तो हुआ ही हुआ, पर जो दिखा ना वो भी तो सही नहीं था। पर देखना, कोयल मैम और फैजी सर के बारे में ना ये गलत गलत बातें करने लग जाएंगे सबके से। मुझे लगता है वो फैजी सर ना कोयल को लाइक करते हैं, वरना जानबूझ के ना उसके साथ रूम में बंद नहीं होते। कोयल के बच्चे को प्यार करते थे, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता, बहाना ही लगता है। पता नहीं यार। मुनामी यार देखना, दिस इज सो सैड। रैंडम बकवास कर रहे लोग फैजी सर और कोयल के बारे में। इस कोयल ओके? ओके तो नहीं है, बट फिलहाल निखिल के साथ है। माँ है, वो भी अकेली, इसलिए झेल रही है सारी दुनिया को बेचारी। सर आप टेंशन मत लो, सब साथ हैं आपके। आपने मुझे 3 दिन दिए थे यहां रुकने के लिए, लेकिन यहाँ जो हालात हैं मुझे कुछ दिन और रहना पड़े। अपने पोते को इस माहौल में मैं छोड़ तो नहीं सकती हूँ। जो हुआ उसके बाद मुझे शक ये फैजी कोयल के करीब आने के चक्कर में निखिल की जान ही खतरे में ना डाल। एक्सक्यूज मी, आप बकवास किए जा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रहेंगे। कंट्रोल सर, यहां पर कोई तमाशा नहीं। इस बारे में बात कर रही है तो मेरे कैबिन में आ गया। सर अगर आप जा ही रहे हैं तो जाते जाते इनको ये तो बता दीजिए कि यहां नहीं रह सकते। स्ट्रेस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप दोनों से कोयल कौन है? आई एम कोयल। सिट डाउन। कोयल तुम्हारा पति, आई मीन योर एक्स हस्बैंड, उनके ऊपर अभी उसके चार्जेस है, देखा मैंने फाइल में, बेल पर बाहर है। डोंट वरी, तुम्हारे बच्चे की कस्टडी बांध रहा है।
पर कोई भी जज जजमेंट उनके फेवर में नहीं कर सकता, इसलिए रिलैक्स। एक मिनट जज साहब। जजमेंट भी आपने ही देनी, बिना केस सुने मत दीजिएगा प्लीज। अब कौन? मैं निखिल की दादी। माय लॉर्ड, आर केस फाइल। यार आई होप हियरिंग कोयल के फेवर में हो और डिसीजन आज ही हो जाए। फिंगर्स क्रॉस्ड। केस पता है मुझे, निखिल की कस्टडी बैटल है, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सबका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि निखिल के पापा अभय का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, इसलिए ये कस्टडी में उन्हें ग्रांट नहीं करूँगा। सर सॉरी टू से, लेकिन इस केस का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आप मिस कर रहे हैं। ये केस अभय ने नहीं, मेरी क्लाइंट मृदुला जी ने फाइल किया। इनफैक्ट अभय का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरी क्लाइंट चाहती है कि उनका पोता निखिल उनके साथ रहे, क्योंकि कोयल जैसी गैर जिम्मेदार माँ के साथ रहने पर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस केस का फैसला आप अभय के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए नहीं, मेरी क्लाइंट मृदुला जी के रिकॉर्ड को देखते हुए कीजिए। ठीक है, केस वैलिड है, नतीजे पर तो मैं सुनवाई के बाद ही पहुंचूंगा, लेकिन क्योंकि बच्चे का मामला सेंसिटिव है, इसलिए इसकी सुनवाई कोर्ट में नहीं डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट। कोयल, निखिल की कस्टडी के लिए अभय ने नहीं, कोयल की एक्स मदर इन लॉ ने केस फाइल किया है। हम सब ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इसीलिए कोयल इतनी स्ट्रेस्ड है। फिलहाल जज ने नेक्स्ट डेट दी है। बात की ऐसी निकल गई। स्ट्रेस्ड? नो वरी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।